हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं साइकोलॉजी क्लास ट्वेल्थ का कुछ क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव है स्व तथा व्यक्तित्व। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? लगभग 2 वर्ष। मनोवैज्ञानिक ने स्व के कितने पक्षों की चर्चा की है? 7। क्रेशमर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। सेल्डन के अनुसार शारीरिक बनावट के आधार इनमें से कौन नहीं है? स्थूल का है। यंग ने सिलगुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजन किया है? 3। इनमें से सिलगुण उपागम को मानने वाले कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? सेल्डन। व्यक्तित्व का मनोगत्यात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित किया है? फ्रायड। व्यक्तित्व का उत्तर फ्रायडवादी उपागम को इनमें से किसने प्रतिपादित नहीं किया है? मास्लो। इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? परिवार। व्यक्तित्व मापन के इनमें से कौन प्रक्षेपी तकनीक नहीं है? प्रक्षेप। प्रारंभ के आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता है? दर्शन शास्त्र। किस आत्म का स्पष्टीकरण दूसरों के संबंध में होता है? सामाजिक आत्म। किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को संगठित और जांचने की योग्यता से है? आत्मनियमन। व्यक्ति के रूप में सदैव अपने मूल्य या मान और अपनी योग्यता के बारे में निर्णय या आकलन करते रहते हैं। व्यक्ति का अपने बारे में मूल्य निर्णय क्या कहा जाता है? आत्मसम्मान। किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया की जाती है? व्यक्तित्व। मनोगतिक उपागम विचारधारा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? फ्रायड। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व विकास का एक पंच अवस्था सिद्धांत है? फ्रायड। किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत को व्यक्ति या व्यक्तक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है? एडलर। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांतों को सामाजिक उन्मुखता के संदर्भ में प्रदर्शित किया है? फ्रॉम। व्यक्तित्व विकास में तर्कयुक्त सचेतन की प्रक्रियाओं आदि पर किस मनोवैज्ञानिक ने प्रकाश डाला है? एरिक्सन। किन मनोवैज्ञानिकों ने मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को मनोरोग निदान हेतु एक सहायक उपकरण के रूप में विकसित किया है? हाथवे एवं मैकिनले। 16 PF परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया है? कैटेल। किस परीक्षण में 10 महिलक्षण या एशियाई धब्बे होते हैं? रोडसा परीक्षण। MMPI का पूरा नाम क्या है? मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। संप्रत्यक्षण परीक्षण को किसने विकसित किया था? मॉर्गन एवं मरे। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं तो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और हम सारे ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चन देते रहेंगे, आप लोगों को कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए, हमारे साथ बने रहिए।